ग्यारह माह बाद एक बार फिर केंद्र में भावी सरकार के गठन के लिए लोकसभा चुनाव होगा। यही वजह है कि प्रस्तावित लोकसभा चुनाव 2024 में जीत हासिल करने और विरोधियों को चुनावी मात देने के लिए सियासी दावपेच का सिलसिला एक दूसरे के खिलाफ अभी से चरम पर पहुंच गया है। 8 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भोपाल की एक रैली में लोगों को संबोधित करते हुए विपक्षी दलों के सामने समान आचार संहिता का मुद्दा उठाकर अहम चुनौती पेश कर दी है। एक तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिहाज से अहम मुद्दा भी सामने लाकर रख दिया। उसके बाद से सियासी दलों के बीच सियासी घमासान की स्थिति है। सभी सियासी दल इसको लेकर पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। उसी के हिसाब से सियासी ताने बाने भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बुने जा रहे हैं। ऐसे में विपक्ष के सामने बीजेपी को चुनावी मात देने की अहम चुनौती है। इस मसले पर पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल से पूछा गया कि क्या विपक्ष दलों के नेता पीएम मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती दे पाएंगे, तो कपिल सिब्बल ने विपक्षी एकता को लेकर 23 जून को संपन्न पटना मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि मैं विपक्षी दलों की एकता के मामले को लेकर बहुत ही आशावादी हूँ। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत विपक्ष के दाम पर ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इस मामले में अहम समस्या सबका एक साथ एक मंच पर आना है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति स्टेट से ज्यादा अहम नहीं, सभी को स्टेट के अंदर रहकर ही खुद को रिप्रेजेंट करना होता है। इस मामले में कांग्रेस के पास अभी संख्या बल नहीं है। इसके बावजूद विपक्षी एकता की संकल्पना को कांग्रेस को केंद्र में रखकर ही मूर्त रूप दिया जा सकता है।